वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रवि, बात करें फोटो फिट कंपनी के बारे में, एज ए डायरेक्टर किस तरह से आप देखते हो उस कंपनी को, और क्या सोच के आपने इस कंपनी में जम किया? जब भी आप आए होंगे इस कंपनी में तो क्या सोच के? सो जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की, हमारा मेन मोटिव था कि जो इंडिया में इतना टैलेंट है, यू नो, बट लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने का. सो वी कम अप विद आइडिया टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू द टैलेंट. सो फोटो फिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लिरिक्स राइटिंग करते हैं, इवन आप कोरियोग्राफ करते हैं, सो आप फोटो फिट में अप्रोच करिए. और हमारे पास हर तरीके के कलाकार हैं, हम सबको कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म देते हैं. इट्स अ म्यूजिक लेवल. म्यूजिक लेवल इज वन ऑफ द जॉनर. अदरवाइज हम डायरेक्शन में भी हैं, प्रोडक्शन में भी हैं, डांस में, कोरियोग्राफी में, कैमरामैन में, इवन फोटोशूट में, बट म्यूजिक हमारा एक जॉनर है. तब न्यू कमर को चांस देते हैं या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे कहते हैं? न्यू कमर्स को भी चांस देने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. अभी हम एक्सपीरियंस लोग को यूज करें बिकॉज हम भी अभी अपने इनिशियल डेज में. और न्यू कमर भी, आई मीन एक्सपीरियंस भी हम ऐसे नहीं लेते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस चाहिए. जो थोड़ी कोशिश करके थोड़ा किसी मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको और आगे बढ़ाने में हम हेल्प करते हैं. एडी हो या एडी से कहीं आना हो या लाइक कहीं राइटिंग, छोटे मोटे राइटिंग की हो कहीं पे, उनको आप ट्रांजिट. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे अभी हमारा एक गाना है, अभी शूट चल रहा है उसका, वो रैप है, वो एक दिल्ली का ऑटो वाला है. दिल्ली में एक ऑटो चलाता है जो स्लम में रहता है, वो हमें अप्रोच किया और उस पर हमने पूरा गाना बनाया. प्रॉपर शूट चल रहा है और बहुत जल्दी वो गाना भी हमारे चैनल पे आने वाला है. सो आप ये देखिए कि एक ऑटो वाले पे हम गाना बना रहे हैं और अभी वो बहुत एक्साइटेड है. बहुत, मतलब आप मान लो कि जब हमारी बात होती है तो वो रोता ही है फोन पे कि सर मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है. सो ये ऐसा ऐसा मोटिव है हमारा. ऑटो वालों ने ही, ऑटो वाले ने ही वो गाना लिखा है और उसी ने गाया है और वीडियो में मेन लीड भी उसी को दिया. तो किस तरह से आपको मालूम पड़ा कि ऑटो वाला है, ये गा रहा है, किस तरह वहां तक पहुंचे? सो जर्नी क्या है वो? ओके, एक तो है कि लोग हमें ऑनलाइन अप्रोच करते हैं और फिर हमारी छोटी छोटी टीम्स बनी हुई हैं. टीम्स कह लो आप, कॉन्टेक्ट्स बोल लो, जो जैसे कि जैसे आप ही हैं. आज आपको हमने ऐसा बताया, कल को आप ऐसे के ट्रैवल करें, कोई इस तरीके का बंदा दिखा जो आपको लगा कि यार ये एक बंदा कुछ कर सकता है, बट इसको ऑप्शन नहीं मिल रहा. सो वहां पे आपने क्या किया, हमसे कनेक्ट कर दिया कि सर व्हाई डोंट यू ट्राई विद दिस गाय. सो ऐसे ही हमें ये ऑटो वाला भी मिला. इन सब के पीछे आते हैं पैसे. ऑटो वाला है वो तो वीडियो के लिए या सिंगिंग के लिए, गाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडियो देगा नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए कहीं कुछ करेगा नहीं, तो वो जो एक्सपेंस होता है वो पूरी कंपनी करती है. पूरी पूरी कंपनी करती है. इवन हमने शूट में जो ड्रेसेस लिए, जो भी कॉस्ट्यूम यूज हुआ, सारा नया था और हमने शूट के बाद वो सारा उस ऑटो वाले को ही गिफ्ट कर दिया. इवन शूज, कपड़े, सब कुछ उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया. तो मैं कंपनी नाम लूंगा नहीं, ऐसी कंपनी आज मार्केट में है, आप भी जानते होंगे. ठीक है, गाना ले लिया, गाना हिट हो गया, बहुत पैसे आने का, वो कंपनी तक ही पैसे रहते हैं, उस बंदे तक या उसके तक पहुंचता नहीं है. तो आपकी कंपनी क्या उस बंदे तक पैसे भी प्रोवाइड करेगी जब गाना हिट हो जाएगा तो? बिल्कुल बिल्कुल. सो हमारा क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि कंपनी को ही एकदम आगे रखते हैं. हर गाने पे हम इंस्टाग्राम में लाइव जाते हैं, जो उसमें किरदार होते हैं उनको लाइव लाते हैं, उनको हम सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रेजेंस देते हैं, उनको टैग्स करते हैं हर पोस्ट में, और वी मेक श्योर कि जो क्रेडिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंपनी को भी और कलाकारों को भी. ऑटो वाला है जैसे ट्रेनिंग गाने की तो नहीं दी हमने, बट हाँ जब स्टूडियो में ले गए तो स्टूडियो में जो एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं उन्होंने ऑफ कोर्स उसको आइडिया दिया. वो तो बहुत रफ वे में तैयार किया था सब कुछ, बट जब उसको स्टूडियो में ले गए तो स्टूडियो में बहुत गाइडेंस मिली और तब वो गाना खिल के आया थ्रू हिज गाइडेंस. ऐसे लोग का जनरली क्या होता है कि वो सीजनल होते हैं, एकदम से उठे, वायरल हुए,
और फिर मार्केट से डिसअपियर हो गया. सो व्हाट वी डू इज कि हम उनको एक परमानेंट ऑप्शन देते हैं. यू नो, अब किसी ने एक गाना गाया, फेमस हो गया, किसी कंपनी ने उठाया उसको और आगे बढ़ाया और उसके बाद यू नो नेक्स्ट. व्हाट वी बिलीव इन कि अगर कोई लगता है मैं कि उसमें टैलेंट है एंड ही और शी कैन डू इट, सो उस केस में हम उसको एक एक लॉन्ग टर्म अपने साथ रखते हैं. इट्स नॉट कि जब तक वायरल है तब तक ही रखें. सो ऐसे टैलेंट्स को यू नो हम चाहते हैं कि और पॉलिश करें. और यू नो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा मकसद ही है कि इंडिया के टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म देना. सो सच टैलेंट्स को हम नॉट इन अ टेम्परेरी बेसिस बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं. अच्छा, कहीं से कंपनी जो बनाती है एग्रीमेंट न्यू कमर जो भी बनेगी तो चलो ठीक है, जो न्यू कमर जो जिनको बाकी इस फील्ड पे आना है फिर वो रिसेटल हो गया. कंपनी बनाती है एग्रीमेंट 3 साल 5 साल, तो आप भी बनाते हो न्यू कमर एग्रीमेंट या फिर? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो न्यू कमर हैं और आउट ऑफ द इंडस्ट्री हैं उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करते हैं, बट या वर्बल एक यू नो फॉर द इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज बताते हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है. अगर कोई बोलता है सर, बहुत लोग आते हैं हमारे पास बोलते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे से. जैसे पंजाब के भी बहुत सिंगर्स हैं जो हमको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ कर लेते हैं, बट ऐसे ऑल ऑफ सडन जो होते हैं जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही नहीं एक्चुअली, सो उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते. बट यस, कल को अगर उनको लगता है कि अब वो एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं जहां उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए तो वी आर ओके विद दैट एज वेल. मेरा एक वीडियो है, मैंने पूरा वीडियो बना दिया, पूरा पैकेज तैयार है, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो क्या वो प्लेटफॉर्म भी आपकी कंपनी प्रोवाइड? बिल्कुल. अगर बहुत हमारे पास आते हैं ऐसे कि सर वीडियो नहीं है पर गाना रेडी है, गाना अच्छा है, तो हम क्या करते हैं कि वो गाना पे वीडियो बना के हम उसको भी लॉन्च कर सकते हैं. तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि और कंपनी क्या करती है कि न्यू कमर है, वीडियो बन चुका है, गाना बन चुका है, तो सारे जो पे है फायदा है या कंपनी पूरा लेती है, आपका क्या टर्म्स होता है कि भाई कुछ पैसे जो भी बात होती है फिर करते हो या फिर आप पे तो करते हैं आर्टिस्ट को. वो आर्टिस्ट नोन हो चाहे अननोन हो, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, क्योंकि कोई बंदा टाइम निकाल के आ रहा है, शूट पे इतना टाइम दे रहा है, स्टूडियो पे जाके गा रहा है, तो ऑफकोर्स दे डिजर्व समथिंग आउट ऑफ इट. सो वो करते हैं. और आगे जब नाम बढ़ता है या वायरल होते हैं, नोन फेस हो जाते हैं, तो भी वी डू अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं है कि बस कंपनी के नाम पे सब कुछ हो रहा है. हम बताए ना, हम चाहते हैं कि हम भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहे, क्योंकि वो दो उसको वो 4 पैसे उसको भी मिलेंगे तो वो और यू नो पॉजिटिविटी आएगी, वो और कोशिश करेगा और बेटर करने का. मुझे आना है, आपकी कंपनी जुड़ना है, तो किस तरह से जुड़ेगा, किस तरह से आएगा आपके प्लेटफॉर्म पे, मुझे गाना लेके आना है, कुछ भी लेके आना है? ओके, सो आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं. फोटोफिट म्यूजिक, आप फोटोफिट म्यूजिक कंपनी आप इंस्टाग्राम में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में फोटोफिट म्यूजिक कंपनी सर्च कर लीजिए, और कुछ नहीं तो आप गूगल में जाके फोटोफिट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सर्च कर लीजिए. वहाँ पे आपको हमारा एड्रेस, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा लोकेशन, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन गूगल. वहाँ से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आउट ऑफ से है वो, बाहर से तो कुछ मेल द्वारा है, ईमेल द्वारा? वहाँ आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट, हमारा फोन नंबर, हमारा लोकेशन, और इवन आप फोटोफिट म्यूजिक कंपनी यूट्यूब से भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ भी हमारी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप हमें सीधा अप्रोच कर सकते हैं. मोस्टली हमें अप्रोच वहीं से मिलेगी.